Good morning, students. In this video, we are doing present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is used to talk about actions that started in the past and are still continuing in the present. मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो स्टार्ट तो हुए पास्ट में और अब तक चल रहे हैं, स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फोकसेस ऑन टू थिंग्स. वन इज सिंस व्हेन समथिंग हैज बीन हैपनिंग, कब से कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन कब से हो रहा है. How long something has been happening? कितने समय से, कितना लंबा टाइम हो गया किसी काम को होते हुए. तो ये दो चीज़ें हैं, एक ही चीज़ की तरफ रेफर कर रही है वैसे तो, कि एक्शन की कंटिन्यूटी कितने टाइम से चल रही है. सिंस वेन हो गया कि किस टाइम से, किस पर्टिकुलर टाइम से, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से कोई काम हो रहा है. सेकेंड इज हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग, कितना समय हो गया है उस एक्शन को होते हुए. तो ये दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस फोकस करता है. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस एंड फॉर. सिंस एंड फॉर का हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. सिंस का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट या द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन. अभी हमने किया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन की बात करता है जो पास्ट में स्टार्ट होता है. अब पास्ट में अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हमें देना है तो हम सिंस का यूज करेंगे. मींस द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन अगर हमें बताना है तो हम सिंस का यूज करेंगे. ये पॉइंट ऑफ एक्शंस या स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकते हैं, मतलब एग्जैक्ट टाइम जो हमें बताना है, लाइक 9 o'clock, 10 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, मंथ का नेम, ईयर, 1 March, डेट एग्जैक्ट बतानी हो, लास्ट वीक, यस्टरडे, मंडे, आई लेफ्ट स्कूल इज अ क्लॉज. वी कैन ऑल्सो यूज अ क्लॉज टू रेफर टू अ सर्टेन टाइम ऑफ पास्ट. ओके, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, लास्ट सेंचुरी, लास्ट ईयर, ये सारे वर्ड्स हैं जो सिंस के साथ में हमें यूज करने हैं. मीन्स व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट ए पॉइंट इन पास्ट टाइम, पास्ट में जब एक्शन स्टार्ट हुआ, अगर हमें उसका पर्टिकुलर पॉइंट बताना है, एग्जैक्ट टाइम बताना है, सर्टेन टाइम ऑफ पास्ट बताना है, तो हम सिंस का यूज करेंगे. मतलब सिंस के साथ में इन एक्सप्रेशंस का, लाइक सिंस 9 o'clock, सिंस 10 AM, इस तरह से. When we have to talk about a period of time, हमें जब सिर्फ हमें टाइम की अवधि बतानी है, कितने समय से काम हो रहा है, ये तो हुआ कब से, और ये है कितने समय से ये काम हो रहा है. तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता होता है, नहीं दे रहे होते हैं हम एग्जैक्ट टाइम को, सिर्फ उसकी अवधि बता रहे होते हैं, लाइक 30 मिनट से, 3 घंटे से, 4 days, 2 months, 5 years, 2 decades, ages, ever. यहाँ पे वी आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. सो फोर यहाँ पर हम यूज करते हैं, फोर के बाद में ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं, लाइक आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 4 days, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स. अगर मुझे एग्जैक्ट टाइम बताना है तो आई विल बी यूजिंग आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock. यहाँ पर आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स कौन से हैं, 6 to 6:30 है या 6:30 to 7 है, ये हमें एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बताना है फोर के साथ में, बट सिंस के साथ में वी हैव टू टेल द एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन. सो दीज आर टू इम्पॉर्टेंट वर्ड्स टू बी यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. Since is used to talk about a particular point in past time, and for is used to talk about a period of time. कितने समय से, कितनी अवधि हो गई है उस एक्शन को होते हुए. And ये जो क्लॉज है ये भी किसी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम को ही इंडिकेट करता है. इसके साथ भी हम सेंस का यूज करते हैं. Then in present perfect continuous tense जो टाइम है वो दो टाइम को रेफर करता है, फर्स्ट इज पास्ट एंड देन प्रेजेंट, मींस बिफोर नाउ से लेकर नाउ तक.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टाइम है, क्योंकि हमने किया कि ये उस एक्शन की बात करता है दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब बिफोर नाउ जो स्टार्ट हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट टाइम, नाउ तक, बिफोर नाउ से स्टार्ट होकर नाउ तक ये जो टाइम है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस शो करता है। देन जो एस्पेक्ट है वो इसमें दो एस्पेक्ट्स हमें मिलते हैं, परफेक्टिव एस्पेक्ट एंड प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। परफेक्टिव एस्पेक्ट रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट रेफर्स टू एन अनकम्प्लीटेड एक्शन। अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दो टाइम की बात करता है, एक तो पास्ट की जहाँ पर हमें कंप्लीटेड एक्शन नज़र आता है, एंड प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट की, मतलब जो एक्शन है वो अभी तक चल रहा है। तो ये दोनों एक्शन मिलकर हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देते हैं। ट्रांसलेशन के पर्पज से हिंदी में ऐसे वाक्यों को हम इस तरह से पहचानते हैं कि हिंदी में इन वाक्यों में आता है से रहा है, मतलब इतने समय से यहाँ पर जो एक्शन वर्ड है वो रहा है, रही है। फॉर एग्जाम्पल, इतने समय से पढ़ रहा है या पढ़ रही है, इतने समय से या तब से पढ़ रहा हूँ, इतने समय से या तब से ये काम कर रहे हैं, हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस अगर हिंदी में आते हैं, हमें दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन के समय हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या फिर अगर इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो उनकी हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह से बनेगी। As we have done that present perfect continuous tense indicates two aspects, perfective and progressive. Then time भी इसमें दो है, before now भी है और now भी है। तो इस टेंस में हम जो auxiliaries का यूज़ करते हैं, helping verb यूज़ करते हैं, इसमें दो helping verbs हम यूज़ करते हैं एक साथ, have and be. The conjugations of have that are to be used in this tense are has and have, जो हमें सब्जेक्ट को देखकर लगानी है उसके अनुरूप होनी चाहिए, हैज़ या हैव, और बी का कॉन्जुगेशन हम यूज़ करते हैं बीन। तो कंबाइंड फॉर्म में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो हैव बीन या फिर हैज़ बीन। नाउ हैज़ बीन हम कहाँ यूज़ करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने जहाँ जहाँ हैज़ यूज़ किया था सेम उन्हीं सब्जेक्ट्स के साथ में हम हैज़ बीन का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। दैट इज ही, शी, इट, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम हैज बीन का यूज करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन नेम्स, कोई सिंगल नेम। एंड हैव बीन का हम यूज करते हैं विद द फर्स्ट पर्सन दैट इज आई एंड वी, विद सेकेंड पर्सन दैट इज यू, एंड थर्ड पर्सन प्लूरल विच इंक्लूड्स दे और प्लूरल नाउन नेम्स, मोर देन वन नेम्स अगर कहीं पर हो तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव बीन का यूज करना है, अदरवाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हमें हैज बीन का यूज करना है। लेट अस लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो एफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं, यानी डेक्लरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, जिसमें कोई निगेशन नहीं होता, जिनमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, उनका स्ट्रक्चर रहता है फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक सब्जेक्ट, उसके इमीडिएट बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देन जो मेन वर्ब है उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का यूज करते हैं दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि हमें कंटिन्यूटी भी दिखानी है इस टेंस में, तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लेते हैं, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यदि है तो, फिर हमें सिंस या फॉर का यूज करना है। वो अभी हमने देखा कि सिंस का यूज हमें पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए करना है और फोर का यूज हमें पीरियड को शो करने के लिए करना है। सो इन दोनों का यूज हमारा डिपेंड करेगा कि हम पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहे हैं या फिर पीरियड ऑफ टाइम शो कर रहे हैं, और उसके बाद में इन दोनों वर्ड्स के बाद में जो भी पीरियड ऑफ टाइम होगा या पॉइंट ऑफ टाइम होगा वो हमें लिखना है। लेट अस
understand this structure with the help of examples. First example is, we have been writing articles on different topics since morning. We have been writing articles. We have been writing, हम लिख रहे हैं articles, articles लिख रहे हैं on different topics, विभिन्न विषयों पर. कब से? Since morning, हम सुबह से विभिन्न विषयों पर articles लिख रहे हैं. तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने लगाया subject, we, क्योंकि we is first person के साथ में हमें have been का use करना है, और उसके immediate बाद हमें present participle verb की first form plus ing. We have been writing articles. ये object, we have been writing articles on different topics, ये हमारी additional information है. We have been writing articles on different topics. हम different topics पर articles लिख रहे हैं. कब से? Since morning, सुबह से. Particular point of time है morning, सुबह से हम ये काम करें. This is the starting point of time. और यानी कि मॉर्निंग में ये काम स्टार्ट हुआ था आर्टिकल्स लिखने का, और अब तक चल रहा है राइटिंग. वी हैव बीन राइटिंग आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स सिंस मॉर्निंग. सुबह से हम विभिन्न विषयों पर आर्टिकल्स लिख रहे हैं. मींस काम स्टार्ट हुआ पास्ट में, मॉर्निंग से आगे हम निकल चुके हैं. पास्ट में काम हुआ, मॉर्निंग से काम हमने स्टार्ट किया था, और अब तक ये काम, मतलब एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग This काम is continuing. ये जो writing का action है ये चल रहा है. सुबह start हुआ था और अब तक ये काम चल रहा है. So this is how we make affirmative sentences in present perfect continuous tense. Next example is, she has been reading the book for 2 hours. वह दो घंटों से पुस्तक पढ़ रही है. She is subject because she is third person. So we'll use here has been, she has been, verb ki first form plus ing, she has been reading, object the book, she has been reading the book. वह पुस्तक पढ़ रही है. कब से? How long? For 2 hours, दो घंटों से. अब ये दो घंटे कौन से हैं ये हमें इस सेंटेंस में नहीं पता चल रहा है. ये सिर्फ अवधि पीरियड दिया गया है कि दो घंटे से पढ़ रही है, और इसके साथ में फोर का यूज हुआ. फोर, उसके बाद में ये जो पीरियड ऑफ टाइम, फॉर 2 hours. यहाँ पर सिंस के बाद में पॉइंट ऑफ द टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस इज, ही हैज बीन टेकिंग मेडिसिन फॉर अ मंथ. वह एक महीने से मेडिसिन ले रहा है. एक महीना कौन सा है वो हमें नहीं पता है. मतलब टाइम हो गया, पास्ट में ही काम मेडिसिन लेने का स्टार्ट हुआ था, जो कि आज तक एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तक कंटिन्यूड है. तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है. ही इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में हैज बीन, ही हैज बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ही हैज बीन टेकिंग, देन ऑब्जेक्ट, ही हैज बीन टेकिंग मेडिसिन. वह मेडिसिन ले रहा है फॉर अ मंथ, एक महीने से मेडिसिन ले रहा है. एक्शन शुरू हुआ पास्ट में, लगभग एक महीने से, और अब तक ये काम, ये एक्शन चल रहा है. प्रेजेंट तक ये काम चल रहा है. सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों ही एस्पेक्ट हमें दिख रहे हैं. परफेक्टिव एस्पेक्ट भी, जिसमें कुछ काम हो चुका है, और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट भी, और कुछ काम अब तक चल रहा है. देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, ही हैज बीन लिविंग इन लंदन सिंस ही लेफ्ट द स्कूल. सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, ये पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब से उसने स्कूल छोड़ा है. अभी हमने क्या किया कि क्लॉजेस के साथ में भी, जो कि सर्टेन पॉइंट ऑफ पास्ट टाइम हमें दिखाएंगे, उसके साथ में भी हम सिंस का यूज करेंगे. दिस इज एग्जैक्ट टाइम ऑफ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, कि जब से उसने, जिस पॉइंट से, जिस समय से स्कूल छोड़ा है, तब से. ही हैज बीन लिविंग इन लंदन, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हैज बीन, ही हैज बीन, लिविंग इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी, इन लंदन, वह लंदन में रह रहा है. कब से? जब से उसने स्कूल छोड़ा है. तो इस प्रकार हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे.
in present perfect continuous tense. To form negative sentences in present perfect continuous tense, we have simply to put not between have and been. Baki structure same hi rahega. Sabse pehle subject, फिर उसके बाद में have not been या has not been. Have और has हम subject के according लगाएंगे. Subject plus have not been और has not been. Negative sentences में. Then verb की first form plus ing. उसके बाद object. फिर हमें since या for लगाना है जो कि depend करेगा. हम point of time दिखा रहे हैं तो since, period of time दिखा रहे हैं तो for. और मीन्स सेंस और फोर के बाद में ये दोनों चीज़ें हमें अकॉर्डिंगली लगानी है. सेंस है तो पॉइंट ऑफ टाइम दिखाएंगे, फोर है तो पीरियड ऑफ टाइम दिखाएंगे. एग्जाम्पल, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर टू आवर्स. हम दो घंटों से क्रिकेट मैच नहीं देख रहे हैं. हम इज वी, वी इज फर्स्ट पर्सन, सो हमें इसके साथ में हैव बीन का यूज करना है. हैव बीन बिकॉज नेगेटिव बना रहे हैं तो और हैव और बीन के साथ के बीच में नॉट लग जाएगा. वी हैव नॉट बीन वॉचिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. ऑब्जेक्ट द क्रिकेट मैच. वी हैव नॉट बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच दो घंटों से. दो घंटे मीन्स कौन से हैं वो हमें नहीं पता है. ओनली पीरियड ऑफ टाइम है ये. तो फोर का यूज किया, फोर और उसके बाद में ये पीरियड ऑफ टाइम हमने दिया. वी हैव नॉट बीन वॉचिंग द क्रिकेट मैच फॉर टू आवर्स. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी हैज नॉट बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग. शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो शी के साथ में हैज बीन बिकॉज नेगेटिव है तो हैज नॉट बीन. शी हैज नॉट बीन स्टडिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. मेन वर्ब का हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लेना है. शी हैज नॉट बीन स्टडिंग, वह नहीं पढ़ रही है इन द लाइब्रेरी लाइब्रेरी में. एडवर्बियल सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर मॉर्निंग इज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम तो इसलिए हमने सिंस का यूज किया. शी हैज नॉट बीन स्टडिंग इन द लाइब्रेरी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से पुस्तकालय में नहीं पढ़ रही है. देन इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से बारिश नहीं हो रही है. इट थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हैज नॉट बीन, नॉट इसलिए लगाया क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है. इट हैज नॉट बीन रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है. कब से नहीं हो रही है? फॉर 30 मिनट्स, कितने समय से नहीं हो रही है? फॉर 30 मिनट्स. 30 मिनट्स कौन से हैं हमें नहीं पता है तो इसलिए फोर का यूज किया. 30 मिनट से बारिश नहीं हो रही है. Then, next example is they have not been working on it since last week. Last week एक particular point of time है. Last week हुआ, yesterday हुआ, last month, last year, ये सब particular point of time हमें बताते हैं तो इसके साथ में हम since का use किया करते हैं. They is third person plural इसलिए अपने साथ have लेकर आएगा. They have not been, then फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आई एन जी. मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. दे हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन इट, इसके ऊपर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं सिंस लास्ट वीक, पिछले हफ्ते से वे इस पर काम नहीं कर रहे हैं. सो दिस इज हाउ द नेगेटिव सेंटेंसेज आर फॉर्म्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. In some cases, when since or for is understood, or the adverbs like lately or recently are used, since and for are not used. जब since और for understood होते हैं उनको specify करने की ज़रूरत नहीं होती है sentence में, या फिर lately और recently adverbs का use किया जाता है तब since और for हम use नहीं करते present perfect continuous tense में. For example, Richa has been competing in singing competitions recently. Recently और lately का मतलब है a time which is very close to present. हाल ही में, हाल फिलहाल. Recently और lately उस time को present करते हैं जो present के बहुत ही close होता है. Past का होता है लेकिन बहुत ही close. तो Richa has been competing in singing competitions recently. Recently Richa singing competition में भाग ले रही है and she will continue to do so. तो ऐसे sentence में हम सिंस का या फोर का यूज नहीं करते हैं. आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली, मतलब
पिछले कुछ समय से, हाल ही से, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल सिक सिक नाउ. और वही कंडीशन अभी भी प्रेजेंट में भी कंटिन्यूड है. तो यहाँ पर भी हमें सेंस या फोर लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव नॉट बीन फीलिंग वेल लेटली. मैं पिछले कुछ समय से अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ और अभी भी नहीं कर रहा हूँ. तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि टाइम कुछ समय से हो रहा है.